हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टडी थ्री वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप लोग CSP केंद्र खोलने के लिए विचार कर रहे हैं, अगर सोचते होंगे कि स्पाइस मनी का CSP केंद्र लेकर मैं भी कहीं एक शॉप खोलकर पैसा इनकम कर सकूं, तो दोस्तों आप सभी से बता दें कि जो स्पाइस मनी का जो आईडी है दोस्तों आपको फ्री में मिलेगा। अभी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से बता दें कि अगर आप लोग स्पाइस मनी का CSP केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसमें सर्विस आप सभी को क्या क्या मिलेगा। पहला सर्विस दोस्तों आपको मोबाइल रिचार्ज करने का मिलेगा। उसके बाद यहाँ दूसरा सर्विस है मनी ट्रांसफ़र, किसी भी बैंक में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सर्विस है स्पाइस मनी की तरफ से एक ATM दिया जाएगा, जो छोटे वाला ATM होता है। आप किसी भी बैंक का ATM हो, ठीक है, आप उसका पैसा निकासी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों चौथा ऑप्शन मिलेगा बैलेंस इंक्वायरी का, ठीक है। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, और ये बैंक है, ठीक है। यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करके किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सर्विस है FES विड्रॉ, यानी किसी भी बैंक से आप पैसा निकासी कर सकते हैं आधार के जरिए, अगर उसका आधार नंबर लिंक है तो। उसके बाद आ गया दोस्तों मिनी स्टेटमेंट का, मिनी स्टेटमेंट पर निकाल सकते हैं और यहाँ किसी भी बैंक में पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से अधिक पैसा निकासी करना चाहते हैं दोस्तों तो एक ऑप्शन मिल गया है आधार पे, ठीक है। आधार पे के जरिए किसी भी बैंक से आप 10,000 पैसा अधिक निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा दोस्तों तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा इसमें IRCTC का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप रेलवे टिकट भी बुकिंग कर सकते हैं, तत्काल हो या कोई भी सेवा हो, आप यहाँ से रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अप्लाई पैन कार्ड, यहाँ से आप पैन कार्ड भी दोस्तों बना सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे सर्विस है, जो मेन जो सर्विस है उसी सर्विस के बारे में मैं अभी आप सभी को बताया हूँ, ठीक है। अगर आप सभी को ID पासवर्ड लेना है, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री में करवाना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से ID को फ्री में आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एक बैंक का पासबुक होना चाहिए। चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।